सतगुरु ऐसा कीजिए और जैसे लौटा गला बंधावे अपना गुरु पावे सतगुरु ऐसा न कीजिए और जैसे झाड़ी बोर ऊपर लाली प्रेम की भाई भीतर बड़ा कठोर हो गुरा सा बिना कुण रे प्रेम जल पावे भाई किन भी देखूं तेरे उन प्रेम चल पावे जी जी।
शब्द सुनावे अगर अन संसार में जन्म धारण करे और गुरु री साक्षा नहीं है बटा तक वो जन्म अधूरो है। कर्मारी ज्या ज्या दो प्रकार री शुभ अशुभ कहवावे, दो प्रकार रा संसार में कर्म बे, एक तो शुभ कर्म बे और एक अशुभ कर्म बे है। तो दो ही तरह बंधन है, शुभ कर्म करे तो भी बंधन है और अशुभ कर्म करे तो भी बंधन है। पर दो ही कर्मों में फर्क है, एक तो लोखंडनी बेड़ी हाथ में वे और एक सोनारी बेड़ी वे अत्रो फर्क है। लोखंडनी बेड़ी वे तो मन कह कटी सोरियों की दिए जो हथकड़ियां लागी है और सोनारी बेड़ी हाथ में वे तो कह रहे होना नवेश है। तो अपने वो ही शुभ कर्म करना जो होनारी बेड़ी दिखे। दो ही प्रकार का कर्म कही जे शुभ अशुभ कहवावे, अशुभ कर्म ने मार हटावे शुभ कर्म सेतावे। अरे गुरुजी बिना कौन प्रेम जल पावे, अमियारा नीर किसी वद खूटे शहर शहर माऊ आवे। आप गुरुजी भवर स्वरूपी जो गुरु महाराज ने भवर री पद्मी दीदी है, यूं आपरे सत्संग है आ एक गुलाब रो फूल बतावे। कहीं वो एक कवि कोई बगीचा रे पाड़े निकलतो तो वन कवि री नजर में एक फूल रे माते भमरो फरतोड़ो देखियो। अने कवि विचार कीधो के भवरा रे बेवारी जगह फूल है और भवरोन फूल रे माते नी बेण नो कारण काऊ है। आगे कियो जी तो हमें कोई बीजो कवि मळियो, वन कवि ने पूछियो के पुष्प वास का गुण कैसा अली लेत न वास। फूल जो भवरा रे बेवारी जगह है पन भवरो वन ने माते नी बेण नो कारण काऊ है। हमले आदमी दुआ ने पूरो कीधो के कहतो पुष्प थिर नी के भवर है उदास, कहतो फूल वैराती डगे है अन वास्ते भवियो है के भवरारो जीव कटी बिष्टे लागुड़ो है। तो सत्संग तो जिंदगी में कई रातों की है पन सत्संग कदे बने श्रोता और वक्ता जीव बोलनियारी सुरतावे यूज हुणवा वाला रिवे जदी सत्संग जमे। आनीक भाई पूरी रात ओगम काढ़ी सत्संग हुई, सत्संग तो एक पल भी वे तो भी काफी है। मन थिर तन थिर थिर जो सुरता होय दादू ऐसे पलक ने कल्पन पोसे कोई। दादू दादी महाराज के पलक अवस्था एड़ी रही आवे तो कल्पांत वृक्ष तपस्या करे तो उन पलरी होड़ नहीं कर सके।